एकदम हम कोई नहीं विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना आए प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1/11, मैं हूं आपके साथ शिवानी। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद जहां निधन हो गया, वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत के बाद पटना के पीएमसीएच प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वशिष्ठ बाबू के निधन के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया। वहीं इस महान विभूति के निधन के बाद उनके छोटे भाई ब्लड बैंक के बाहर शव के साथ खड़े दिखे। निधन के बाद पीएमसीएच प्रशासन द्वारा केवल डेथ सर्टिफिकेट देकर पल्ला झाड़ लिया गया। इस दौरान जब वशिष्ठ नारायण सिंह के छोटे भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने पैसे से अपने भाई के शव गांव लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के निधन की खबर के बाद से ना तो कोई अधिकारी आया और ना ही कोई राजनेता। वशिष्ठ नारायण सिंह के छोटे भाई ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा कि अंधे के सामने रोना अपने दिल को खोना है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के साथ लगातार अनदेखी हुई है। आपको बता दें कि जहां आज बाल दिवस के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के जहां शोक व्यक्त किया है, उसके साथ ही शोक व्यक्त करने बात की, अगर हम पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच में ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब किसी के शव को घर ले जाने के लिए जहां एम्बुलेंस नहीं दी गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शोक व्यक्त कर रहे हैं, ठीक उसके बाद ही अगर हम बात करें तो लगातार पीएमसीएच की जो वारदात ऐसी सामने आती है उसको लेकर के वो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से शोक व्यक्त किया है। बल्कि समाज का और बिहार के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आज वो नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि जब एक मंत्री के कुत्ते का पीएमसीएच में इलाज हो सकता है तो फिर मेरे भाई का क्यों नहीं, ये कहना था वशिष्ठ नारायण सिंह जी के भाई का। एकदम हम इसका विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना आए प्लीज। आम जनता एक एक सबक ले इससे कि ईंट पे ईंट बजाए सरकार को, लेकिन अब क्या कहें हम तो। खैर फिलहाल रुक दीजिए, आप बजे आम आदमी जान रहा है कि क्या व्यवस्था होता है किसी का। नहीं, पहले गांव जाएंगे उसके बाद घाट। एकदम हम इसका विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना आए प्लीज। को बता दें कि 74 वर्षीय महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने जिंदगी के 44 साल मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से में गुजारा है। आज भी कहा जाता है कि इस बीमारी के शुरुआती वर्षों में अगर उनकी सरकारी उपेक्षा नहीं हुई होती तो आज वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम दुनिया के महानतम गणितज्ञों में सबसे ऊपर होता। उनके बारे में मशहूर किस्सा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए तो कंप्यूटर ठीक होने पर उनका और कंप्यूटर्स का कैलकुलेशन एक था। तो फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।